रहता है। प्लीज हमारे बिलासपुर की तरफ मत आने दें और उनके जो रहने की व्यवस्था है वो वहीं पे किया जाए, बिकॉज मकसद वही है कि जो जहां पे है वो वहीं पे स्टे करे, वहां से फर्दर मूव ना करे। और साथ ही साथ बिलासपुर ज़िले के बारे में मैं जो आजकल ये कर्फ्यू का चला है, मैं जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब ये कर्फ्यू में जब ढील देते हैं हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो आप जब भी अपने राशन खरीदने के लिए आते हैं तो आप अपनी गाड़ियां लेके मत आएँ, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी गाड़ियां लेके आ रहे हैं, गाड़ियों में 5-5, 6-6 लोग बैठे हुए हैं। दिस इज़ नॉट परमिसेबल, बिकॉज कर्फ्यू टाइम में चाहे 24 आवर्स आप 5 से ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, वो अनलॉफुल है, इलीगल है। जब भी आप राशन लेने आएँ बिलासपुर, घुमारवी, बरवाना, सभी जगह आपने पैदल ही आना है। लोग शहरों में रहते हैं फिर भी गाड़ियों में चले हुए हैं और हर आदमी ने अकेले आना है, एक सिंगल आदमी ही आएगा। तो मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ सभी बिलासपुर वासियों से, डिस्ट्रिक्ट के जो भी रेजिडेंट्स हैं, आप जब भी 9 से 12 के बीच में आप राशन लेने आएँ, सब्जी लेने आएँ, तो आप अकेले आएँ, पैदल आएँ। अगर आप गाड़ी लेके आएंगे तो आपकी गाड़ी जब्त होगी। कोरोना वायरस का बचाव है। COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।